आज देश में महिला सबलीकरण का दौर चल रहा है। माना जाता है कि यदि महिला शिक्षित होगी तो उस पर होने वाले अत्याचारों में कमी आएगी, लेकिन क्या यही सच्चाई है? ऐसा प्रश्न चिन्ह हिंगना में घटित मामले में उपस्थित किया है, जहां पुलिस अमलदार की पोस्ट पर कार्यरत गर्भवती महिला पर पति और उसके सास ससुर द्वारा अत्याचार किए जा रहे थे, जिसकी शिकायत फिरियादी ने हिंगना पुलिस में की है, लेकिन इस मामले में अभी तक फिरियादी को कोई राहत नहीं मिली है, जिसकी जानकारी पीड़िता ने हमारे संवाददाता को दी। ज्ञात हो कि हमारी पिछली रिपोर्ट हमने हिंगना में घटित महिला उत्पीड़न के मामले की जानकारी आपके समक्ष रखी थी, जिसमें पीड़िता अमलदार की पोस्ट पर कार्यरत वैशाली अमोल भोसकर ने अपने पति अमोल भोसकर, सास छाया भोसकर, ससुर ज्ञानेश्वर भोसकर और ननद श्वेता भोसकर के खिलाफ मानसिक एवं शारीरिक उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था। हैरत की बात तो यह है कि इस मामले में अपराध की कटघरे में खड़े वैशाली के ससुर और सास दोनों हिंगना नगर पंचायत के नगर सेवक पद पर कार्यरत है और एक सबल परिवार से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन फिर भी चारित्रिक संदेह और पैसों की मांग, कम लालच की सोच रखने वाले भोसकर परिवार ने वैशाली को इस कदर उत्पीड़ित किया कि उसे अपने 3 महीने के गर्भ का भी गर्भपात करना पड़ा। बहरहाल इस मामले में कोई भी जजमेंट देने से पहले जानते हैं पूरा मामला पीड़िता की जुबानी। दर्शकों, आज देश महिला सबलीकरण की ओर अग्रसर हो रहा है। महिला सुशिक्षित होगी तो महिलाओं पर होने वाले अत्याचार है वो कम होने वाले हैं, ऐसा कहीं ना कहीं कथित तौर पर बोला जाता है। लेकिन ऐसे कई मामले हैं जहाँ की एक सुशिक्षित साथ ही साथ जो है एक अच्छे अपने पैर पर खड़ी महिलाओं पर भी अत्याचार होते हैं, और उसी का एक उदाहरण हिंगना पुलिस थाना अंतर्गत आ रहा है। हेडक्वार्टर में अमलदार की पोस्ट पर रहने वाली एक महिला जिनका नाम वैशाली भोसकर है, जिनकी शादी कुछ ही दिन हुए हैं शादी को, लेकिन महिला पुलिस हेडक्वार्टर में भी महिला पुलिस की अच्छी पोस्ट पर होते हुए भी उन पर काफ़ी अत्याचार हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ वैशाली मौजूद है, क्या बताना चाहेंगे, किस परिस्थिति में आपकी शादी हुई और आपके घर कौन कौन है मायके में? मेरी शादी 2 साल पहले हुई थी और मेरे ससुराल में मेरी सास ससुर और एक ननंद है, और एक शादी हुई है लेकिन वो भी हिंगना में रहने आई है ननंद। तो मेरे फैमिली में इतने सारे लोग हैं। और आपकी जो है मायके की फैमिली में कौन कौन है, मायके की फैमिली के विषय में पूछा? मायके की फैमिली में मेरे मम्मी हैं और मेरा छोटा भाई, बड़ा भाई और भाभी है। पिताजी किस पोस्ट पर काम करते, क्या है उनका? पिताजी आर्मी में थे और 3 साल पहले उनकी डेथ हो गई। किस पार्श्वभूमि पर आपकी शादी की गई और जो है आपके पति किस पोस्ट पर काम करते हैं, उनका जो है फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, क्या बताना चाहेंगे, किस प्रकार की परिस्थिति है उनकी? मुझे तो ऐसा बताया था कि उनकी फाइनेंशियल परिस्थिति बहुत अच्छी है और लड़का जो है बहुत सिंपल और उनका नेचर बहुत सिंपल और अच्छा है करके बताया था। और उनके घर के लोग सब राजनीति में, उनकी मम्मी नगर सेविका है अभी फिलहाल, और सब लोग घर के अच्छे हैं करके। उनके मम्मी का नाम छाया भोसकर है और उनके पिताजी ज्ञानेश्वर भोसकर, वो माजी सरपंच थे। और सब मतलब हमको शादी के पहले सब लोग अच्छे हैं करके ऐसे बताए थे। परिस्थिति अच्छी है। और जो है आप कितने साल हो गए आप पोस्टिंग पे है पुलिस के अमलदार के? 5 साल हो गए। मैं 2018 में भर्ती हुई थी नागपुर सिटी में, अभी मुझे 5 साल कंप्लीट हो गए। शादी होने के बाद किस प्रकार के अत्याचार आप पर होने लगे? जब आप नवविवाहिता थी तभी से जो है ये अत्याचार चल रहे हैं, ऐसा आपका कहना है, तो किस प्रकार के जो है अत्याचार आप पर हो रहे थे? इसके पहले आपने पुलिस स्टेशन में भी इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई है, क्या स्टेटस है उसका? मैंने तो पुलिस स्टेशन में पहले कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई थी, मुझे ऐसा लगा कि घर का मामला है तो थोड़ा घर में ही ये शॉर्ट आउट हो जाएगा, तो मैं अपने मायके में बताती थी सब। लेकिन वो लोग स्टार्टिंग से ही, मतलब डे वन से ही उनका थोड़ा बिहेवियर मेरे प्रति थोड़ा अलग था। मेरी सास तो बात बात पे ताने मारती थी, ये क्या हमारा कर सकती है, ये नौकरी वाली है, इसको टाइम नहीं मिलता, इसके ड्यूटी का समय नहीं, ये झूठ बोलती है, ऐसा मतलब बहुत सारे झूठे आरोप लगाती थी मेरी सास। और मेरे पति भी बात बात पे झगड़ते थे, बहुत मेंटली टॉर्चर करते थे मुझे। और मेरी ननंद भी बहुत ताने मारती थी जो घर पे है वो, और मेरे रिलेटिव के मेरे भाई या कोई मेरी बहन या मेरी मम्मी,
ऐसे कोई मेरे मायके से लोग आते थे तो उनके साथ झगड़ा करते थे। मेरे भाई को 2 बार उन्होंने घर से बाहर निकाला। मेरा भाई रोते हुए घर से 2 बार गया है। उसके साथ बहुत भयानक झगड़ा करके उन्होंने घर से बेइज्जत करके निकाला। और मेरे साथ भी बहुत झगड़ा किया था तभी। और मेरे को बात बात पे बोलते थे कि तू निकल जा मेरे घर से, तू निकल जा मेरे घर से, मेरे घर पे नहीं चाहिए। ये जब से आई है तब से हमारे नाक में दम करके रखा है। और जैसे खाने पीने में भी वो लोग बहुत परेशानी, जैसे मुझे खाना नहीं बनाने देती थी मेरी सास, और नहा के खाना बनाओ ये ऐसा, मतलब समय का पाबंदी। और सब उनके घर में मेरे को किसी से बात नहीं करने देती थी, घर के बाहर नहीं निकलने देती थी ज़्यादा। मैं आजू बाजू में किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी। मैं जब बाहर निकलूँ ऐसा खाना खाने के बाद, तो वो तुरंत मेरे सामने आ जाती थी और बोलती थी हमारा खाना होने का है, परोस खाना परोस, ऐसा कर वैसा कर, और मेरे को घर जाने के लिए बोल। साथी जो है आपने शिकायत में लिखा है कि पैसों की मांग भी जो है आपके ससुराल वाले करते थे, क्या पार्श्वभूमि है, किस वजह से पैसे मांगते थे और क्या स्थिति क्या बताना है? जैसे अभी शादी को सिर्फ 2 महीने हुए थे, मेरा भाई आया था मेरे घर पे, तब मेरे ससुर ने मेरे भाई को बोला था कि मेरे को मतलब हमारे दुकान के पास में एक प्लॉट है वो लेना है, तो मैं कुछ पैसे डाल के वैशाली के अकाउंट से इंस्टॉलमेंट रखना चाहता हूँ, तो उससे बात करो करके। तो मैंने डायरेक्ट उनको बोल दिया कि मैं 5 साल कुछ आपको मदद नहीं कर सकती क्योंकि ऑलरेडी मेरा पेमेंट कम है। लेकिन मेरे हस्बैंड ने भी मुझे पैसों के लिए बहुत तंग किया, उन्होंने गाड़ी लिया अभी पिछले साल, गाड़ी ली शॉप के लिए, तब भी वो मुझे बोल रहे थे कि गाड़ी के लिए मुझे लोन उठा के दो करके। लेकिन मैंने बोली ऑलरेडी मेरे पे लोन है और पेमेंट कम होने के वजह से मुझे लोन नहीं मिल सकता, तो इस वजह से भी वो मेरे से महीना महीना बात नहीं करते थे, बहुत टॉर्चर करते थे, बहुत झगड़ा करते थे, मतलब तुम्हारे घर के लोग आना नहीं चाहिए ऐसे वैसे बहुत बातें करते थे। मैं बहुत टेंशन में रहती थी, लेकिन मैंने सिर्फ, मतलब ऐसा लगा मुझे कि बच्चा बच्चा होने के बाद सब सही हो जाएगा, लेकिन वो लोग जब मेरी प्रेगनेंसी आ गई तो उन्होंने ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। और पैसे के लिए जैसे मेरे ससुर तो मुझे हमेशा बोलते थे कि घर में किराना नहीं लाती है, घर में लाइट बिल नहीं भरती, घर में कुछ नहीं करती, एक रुपया खर्च नहीं करती। मेरी सास भी बहुत बोलती थी मैं बर्तन वाली के पैसे तू देते जा, ये ऐसा करते जा वैसा करते जा, और पैसों के लिए भी वो बहुत तंग करते थे। सूत्रों के हवाले पता चला है कि आपके जो घर वाले हैं ससुराल वाले आपके चारित्रिक संदेह भी जो है आप पर लेते थे, क्या स्थिति बताना चाहेंगे? मेरे हस्बैंड तो बहुत मतलब मुझे शक करते थे, जैसे मेरे मोबाइल पे अभी जैसे ड्यूटी पे बहुत सारे जेंट्स लोगों के साथ में भी मुझे ड्यूटी करना पड़ता है, तो मैं जेंट्स लोगों के साथ में ड्यूटी करा, और इनके इस घर में मुझे उसका फ़ोन आया तो मैं स्पीकर पे रख के फ़ोन पे बात करती थी, नहीं तो वो मेरे को ताना मारता था, पूरे रात भर ताने मारता था कि इसका फ़ोन आ गया उसका फ़ोन आ गया। मतलब इसी वजह से मैं कांटेक्ट भी बहुत कम करती थी, किसी से मिलना जलना, कहीं आना जाना मिलना ये भी बहुत कम करती थी। ड्यूटी से सीधा घर आती थी और घर से सीधा ड्यूटी जाती थी। मेरी सहेली लोगों से भी मैं 2 साल से बहुत कम मिली हूँ, और मुझे मतलब मैं किसी लड़के से बात नहीं कर सकती थी, और मेरे फ़ोन पे किसी का फ़ोन भी नहीं आ सकता था। ये प्रारंभिक बातें हो गई, लेकिन जब आपने शिकायत दर्ज कराई, जिस प्रकार से आपने बताया कि आपको जलाने की कोशिश की गई थी उस दिन, और जलाने की कोशिश करने के बाद आपके रूम में गई, साथ ही साथ आपने पुलिस का नंबर डायल किया, उसके बाद आपने शिकायत दर्ज कराई, तो पुलिस का क्या स्टेटस है इस मामले में, किस प्रकार का जो है संज्ञान लिया जा रहा है? 14 अप्रैल का दिन था, मैं ड्यूटी करके 8:30 बजे घर पे पहुंची थी, तो मेरे हस्बैंड ने ऐसे ही मतलब उनका पहले से ही कुछ ये दिमाग या प्लानिंग ही समझना पड़ेगा, तो वो जैसे रूम में आए तो मेरे साथ ऐसे बहुत रूडली बात करना चालू कर दिए। फिर मैंने बोली मैं बहुत थकी हूँ मुझे थोड़ा फ्रेश होने दो, उन्होंने बोले खाना बनाने के लिए, मैंने बोली मैं फ्रेश होके 1/2 घंटे में खाना बनाती हूँ। वो मेरे को बहुत गाली देने लगे, मेरे मम्मी को बहुत गाली देने लगे, मेरे भाई लोगों को बहुत। ये स्थिति तो पता है, आपने शिकायत में भी लिखा है, लेकिन सवाल ये है कि पुलिस द्वारा किस प्रकार का संज्ञान लिया जा रहा है, पुलिस इस पर क्या कर रही है अभी फिलहाल? फिलहाल तो पुलिस अभी इस पर कुछ भी नहीं कर रही है, ऐसा ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैं पुलिस स्टेशन में जब गई थी
तब उन्होंने तो मतलब मुझे थोड़ा रिस्पांस दिया था उस दिन, क्योंकि मेरी स्थिति उन्होंने अपने आँखों से देखा था, मेरा मेडिकल हुआ था। फिर दूसरे दिन से एक महिला कर्मचारी मेरे साथ में मेरे घर में सामान लेने के लिए आई थी, उनका नाम अनीता चौहान था और वैशाली झाड़े था। वो दोनों मेरे साथ सिविल ड्रेस पे आई थी घर पे, और मेरे को बोले कि तुम गाड़ी लेके जाओ। मैं मेरे आधे घंटे पहले ही निकले थे वो पुलिस स्टेशन से, लेकिन वो स्पॉट पे पहुँचे नहीं थे। हम गाड़ी लेके बाहर उनका वेट कर रहे थे, तभी मेरा भाई बोला कि वो लोग अंदर है करके। तो हम जैसे अंदर गए, वो लोग अंदर नहीं थे। हमारे घर के लोग सब हमको मारने पीटने दौड़े। तब मैंने डायल 112 पे कॉल किया, तब वो मैडम लोग आई और मैंने बोली मैडम आप तो हमारे पहले निकले थे। तो वो बोले हम कुछ सब्जियां खरीदने गए थे, इसीलिए हमको लेट हुआ। लेकिन वो वहाँ पे मेरे को वहाँ पे जाने के बाद ऐसे बोल रहे थे कि हम इनको बचपन से जानते हैं, ये लोग ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारी ही कुछ गलती होगी, तुम ही ऐसा कुछ करते होंगे, पुलिस का रुआब दिखाते होंगे, पुलिसगिरी दिखाते होंगे, ऐसा वो उनको सब पता। अपने आँखों से देखने के बाद भी वो मेरे पे इंजाम लगाते थे दोनों मैडम। और उन्होंने मेरी जो बड़ी वाली ननंद है उनके बारे में बताया, ये मेरी बचपन की सहेली है, ये मेरे साथ पढ़ी लिखी है, तो मैं उनको अच्छे से जानती हूँ, ऐसा करके। और उन्होंने पुलिस स्टेशन में पूरा मतलब ये फैला दिया कि लड़की की गलती है, लड़की की गलती है। तब से पूरा मेरा केस ऐसे फाइल, अभी तक के मुझे पुलिस स्टेशन से कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला है, और अभी तक के मुझे पुलिस स्टेशन से कोई फ़ोन नहीं आया है, और कुछ ये नहीं हुआ है। दर्शकों, जिस प्रकार से आपने सुना, पीड़िता वैशाली ने अपनी व्यथा बताई है, साथ ही साथ कहीं ना कहीं एक आरोप भी पुलिस पर लगाया है कि पुलिस में ही कार्यरत होते हुए पुलिस उन्हें जो है अच्छा सहयोग नहीं कर रही है, ऐसा ही कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है। तो देखते हैं इस बात की सच्चाई कितनी है, लेकिन बोलना तो यही पड़ेगा कि देश आज महिला सबलीकरण की ओर बढ़ रहा है, और उसी में ऐसे मामले कहीं ना कहीं देश के विकास पर कहीं ना कहीं यहाँ प्रश्न चिन्ह उपस्थित कर रहे हैं, महिला की सुरक्षा पर यहाँ प्रश्न चिन्ह उपस्थित कर रहे हैं। किसी भी पक्ष में सही गलत का फैसला करने से पहले सिक्के के दोनों पहलुओं को जांचना जरूरी है। इस सोच के मद्देनजर जब बीसीएल की टीम हिंगना पुलिस थाना पहुंची, तो संबंधित पुलिस अधिकारियों ने इस मामले में किसी भी रूप से आधिकारिक जानकारी देने के संबंध में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मना कर दिया, जिसके चलते इस मामले में ये भी संदेह उपस्थित हो रहा है कि क्या भोसकर परिवार को किसी बड़े दिग्गज का अभय तो नहीं है, अथवा क्या भोसकर परिवार अपने सबल सियासी शक्ति का उपयोग इस मामले को दबाने में तो नहीं कर रहा है। बहरहाल मामले की गोद में जो भी कुछ हो, लेकिन जब हमारी टीम मामले की सच्चाई खंगालने गई तो उन्हें उचित प्रतिक्रिया नहीं मिली। यह विशेष आज देश विकास की ओर मार्गदर्शन कर रहा है, लेकिन उसी बीच देश के गली गलियारों में घटने वाले ऐसे मामलों से देश की सुरक्षा और खासकर महिला सुरक्षा पर सवाल उपस्थित हो रहा है। माँ सीता का अपहरण करने वाले 10 मुखी रावण को हम हर साल जलाते हैं, लेकिन ऐसी अंधी और अराजक मानसिकता को किस आग से जलाया जाए, किस शस्त्र से काटा जाए, अथवा किस पानी में बहाया जाए, इसका उपाय खोजना आवश्यक है। ऐसे मामलों से सच में महिला सुरक्षा का भविष्य कैसा होगा, ये सवाल उपस्थित होता है, जिसका हल शायद भविष्य की गोद में है। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मनीष डेमरे की रिपोर्ट।